राम राम भाई सारिया ने, आज है मेरे 75 हार्ट का पांचवा दिन और आज हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन जो भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है और भगवान कृष्ण के साथ जुड़े मान्यता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो 6 घंटे का ट्रेन का सफर करके हम पहुँचे कृष्ण भूमि पियार अपानी वीआर वृंदावन की खोज श्री बांके बिहारी मंदिर की यात्रा के साथ शुरू करें। ध्यान दें कि मंदिर किसी अधिक भरापुर समय के दौरान भी भीड़ से भर सकता है, इसलिए सर्वोत्तम होता है कि अवधि के दौरान केंद्रित समय के दौरान दर्शन करें। शाम को बांके बिहारी मंदिर में आयोजित खूबसूरत शाम की आरती का साक्षात्कार करें। मंदिर को प्रकाशित किया जाता है और आए समय की वातावरण बहुत ही प्रेम भरा होता है। दिन 2, वृंदावन का ख्याल रखने की कोशिश। अपना दिन इस्कान मंदिर, जिसे श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, की यात्रा से शुरू करें। मंदिर संरचना का अन्वेषण करें और सुबह की आरती का साक्षात्कार करें। राधा वल्लभ मंदिर, राधा कृष्ण को समर्पित, की यात्रा करें और इसके आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लें। प्रेम मंदिर, जिसे अपानी जटिल नक्काशी और शाम के समय के सुंदर प्रकाशित कार्य के लिए जाना जाता है, की यात्रा करें। शाम को यादि या उपद है टू खूबसूरत रासलीला प्रदर्शन का साक्षात्कार करें। इसमें राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की कहानी का नृत्य किया जाता है। दिन 3, गोवर्धन परिक्रमा और प्रस्थान। गोवर्धन के लिए ड्राइव करें, जो भगवान कृष्ण के साथ जुदा सुगंधित पहाड़ है। गोवर्धन परिक्रमा का पूरा करें, जो पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थयात्रा है। परिक्रमा पूरा कराने के बाद आप गोवर्धन मंदिर और अन्य नजदीकी आकर्षणों का दौरा कर सकते हैं। लंच के लिए वृंदावन वापस लौटें। और इसी के साथ हमारी वृंदावन यात्रा पूर्ण हुई। बोलो राधे राधे। धन्यवाद।